नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए ओपी शुक्ला आईटीआई स्टेनोग्राफर की हिंदी डिक्टेशन लेकर आ रहे हैं, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदन मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने दल की राजनीति से ऊपर उठकर खुले दिल और दिमाग से इस प्रस्ताव पर चलने वाली बहस में भाग लेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ अपने विचार सदन में रखने जा रहा हूँ। विराम। भारत का इतिहास दुनिया के लोगों से छिपा नहीं है। भारत की भूमि से मानवता का संदेश आदि बहुत सी चीजें दुनिया में फैली। एक समय था जब हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा की बातें पूरे संसार में हुआ करती थी। हमारे देश में वेद लिखे गए, जिसने संसार को मानवता का संदेश दिया और कहा कि पूरे संसार को एक परिवार मानकर चलो। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया और मैंने अभी देखा है कि सदन के भवन में भी ये बातें लिखी हुई हैं। मैं यह अभिमान तो नहीं करता कि विद्वान केवल भारत में ही हुए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम संसार के गुरु रहे हैं। हमने ही 4 अच्छी परंपरा संसार को दी। यदि इसी को मान लिया जाए तो पूरे संसार की जनसंख्या की समस्या हल हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतवर्ष, जिसकी शिक्षा ने पूरे संसार को प्रभावित किया, वही जाति की बुराई का शिकार हो गया। हो सकता है कि किसी समय इसकी आवश्यकता रही हो। विराम। मैं उस विषय पर आज यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से जिस समय हमने यह निश्चय कर दिया कि हरिजन भाइयों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी समय से हमारा पतन आरंभ होता है। विराम। हमारा पतन यहाँ तक हुआ कि हमने गुलामी की एक लंबी यात्रा की पैरा। मैं इतिहास का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जितने लंबे समय तक भारतवर्ष गुलाम रहा, शायद इतने समय तक दुनिया का कोई देश गुलाम नहीं रहा। थोड़े से अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बना लिया था, लेकिन उस अंधेरे में एक उजाला आया। कोई 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में सोचा गया। अंग्रेजों को इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रख सकें। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई जिससे कि उनको सस्ते क्लर्क और सरकारी नौकर मिल सकें। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं संचार विभाग के संबंध में कहना चाहता हूँ। अभी मैं देहात गया हुआ था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देहात में डाकघर में कहीं पर लिफाफा नहीं है और कहीं पर पोस्टकार्ड नहीं है। हमने कई मील दूर की पर 3-3 डाकघरों में पता किया तो मालूम हुआ कि तीनों में
कहीं लिफाफा नहीं है तो कहीं पोस्ट कार्ड नहीं है, और आप मांग रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा आपको किस आधार पर दिया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने मांग में कहा कि शिक्षा मंत्रालय को एशियाई खेल के नाम पर पैसा दीजिए, विराम